दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, ACNWC। आज दोस्तों मैं और मेरे दोस्त ने मिल करके एक फार्म का निर्माण करवाया है जहाँ पे चिक्स आ रहे हैं। तो वही ड्राइवर ने फ़ोन किया था कि अभी मैं फार्म तक नहीं आ सकता, आइए मुझे रास्ते से ले चलिए। तो जा रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है दोस्तों, आप लोग देखते रहिए। क्योंकि इस वीडियो में आपको आप देखेंगे कि जो नए फार्मर होते हैं उनको किस तरह से काम करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में दिखाया गया है। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखना, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने दी है दोस्तों, आप देखते रहिए। अभी मैं पहुंचने वाला हूं दोस्तों, और शायद वही गाड़ी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सारी खुशी पे पानी फिर गया, क्योंकि मैं दाना मंगवा चुका था और ये भाई साहब इसीलिए मुझे फ़ोन किए थे और वहाँ फार्म तक नहीं पहुँच पा रहे थे। इसका मेन कारण ये था। अभी वो तो अच्छा हुआ क्योंकि मेरा ही चिक्स नहीं था इसमें, मेरे सिर्फ 4000 चिक्स थे। बाकी इसमें दोस्तों ये भी प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ, चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये किसी ना किसी के साथ तो गलत करेंगे, जैसे कि अभी मेरे साथ जो जो ठीक ठाक बच्चे हैं उनको निकाल ले और काट दोगे, किसी को तो देंगे ही मुर्गा ये। क्योंकि ये अगर प्रेस कर रहे हैं फार्मर डाल भी दे एकदम ठीक हो जाएगा, तो ठीक कैसे हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ठीक हो जाएगा। ठीक डिब्बा हम जुगाड़ करवा रहे हैं आपको, डिब्बे का आप सब्जी करवा। अरे अगर फार्म साइड में होते ना दोस्त, हाँ पास में होता तो दिक्कत नहीं होती, तो कोई दिक्कत नहीं था। अभी कहा है ना, यहाँ पे डिब्बा कहाँ से मिलेगा यार भाई, जो चूजे इसमें से एक वहाँ देखिए वो वाला सही है, इसको उठा लीजिए। मानोगे आप झूठ, अगर आप होते ना हमारे साथ में, जो रात में मार रहे थे ना, बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से मार रहे हैं, मतलब बिजली खंभा 11000 का बोर्ड में पड़ा हुआ, अब वहाँ से मतलब गाड़ी घुमाए तब आप चढ़ाते हैं, करंट कहीं होएगा दिक्कत हो जाएगी ना। फिर एक आगे गए दूसरे रास्ते में पेड़ गिरा पड़ा, अब बताओ वहाँ से हम फिर निकले, और इसके बाद तीसरी रास्ता पकड़ा कि हम लोकल के मालूम था निकल जाएंगे, हमने रास्ता पकड़ा, तीसरी रास्ते में मार कहीं से गाड़ी लेके आए, फिर ना पहुँच पाए, शाम को 5 बजे पहुँच जाते, 5 बजे तूफान जरूरत ज़्यादा, मतलब सिर्फ खंभे तक पूरा अच्छे से छटाई कर लो आप, पहले देख लो आराम से, आपको एक भी गंदा बच्चा नहीं मिलेगा, बस खाली आप डब्बा मंगवा दो, आपके सामने मूंगी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप डब्बा मंगवा दो, दिक्कत हो गया, हम हर चक्कर में डब्बा लेके आते, उसी चक्कर में बात हो गई, मालिक से किससे बात हो रही थी, अब ध्यान दीजिए वो लोग नहीं लाते, चलो चले जाए। दोस्तों आप देख रहे हैं ये मुझसे डिब्बा मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं हर बार डिब्बा लेके आता था, इस बार मुझसे गलती हो गई। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों कि ये किसी ना किसी को तो ये चूना लगा के ही चले जाएंगे।
और जो बर्ड ऐसे कंडीशन में अभी जो आप सामने देख पा रहे हैं, इस तरह का बर्ड अगर इतना गीला और इतना भीगा बर्ड अगर कोई भी फार्मर अपने फार्म में प्लेसमेंट ऐसे बर्ड का कर देगा, तो ये मान लीजिए कि उसको उसके बर्ड में सीआरडी आनी एकदम निश्चित है। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे बर्ड अभी हफ्ते भर के हुए हैं और सीआरडी आ गई है, तो आप सामने नतीजा देख लीजिए दोस्तों कि क्या क्या होता है। आप पूरा वीडियो देखते रहिए दोस्तों, आपको आगे सब कुछ समझ में आने वाला है। ये भाई साहब किस तरह से छटाई कर रहे हैं, देखते जाइए आप, और नीचे भी देखिए। हाँ बराबर, देखिए बर्ड जो डिब्बा सूखा है दोस्तों, बीच का बीच में था, उसके बाद अभी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं उनमें, क्योंकि उनको हवा भी नहीं लग पाया है और वो सुरक्षित हैं। ये सिर्फ तूफान की वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो कभी ऐसा दिक्कत नहीं होता है। बर्ड की क्या हालत है। मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है दोस्तों कि आप लोग सतर्क रहकर पूरे अच्छी तरह से सोच समझ कर देखभाल कर तभी जाके बर्ड का प्लेसमेंट अपने फार्म में करें। इस गाड़ी में दोस्तों साइड का तिरपाल भी है तो ज़रूर, लेकिन एकदम फटा हुआ है जिससे कि हवा आती जाती रहती है। और देखिए दोस्तों ये किस तरह से छटाई कर रहे हैं, ऐसे ही बर्ड जिसके फार्म में आ जाएंगे। अभी ये देखिए सब पूरा निकाल निकाल के फेंक रहे हैं। ऐसे बर्ड को दोस्तों कभी ना खरीदें आप। आप वीडियो अंत तक देखिए, फिर देखिए कि ये किस तरह से सही कर देते हैं, और आपको लगेगा ही नहीं कि ये बर्ड इतना भीगा हुआ था या कुछ भी हुआ था इसमें, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं दोस्तों। तो पूरी सूझबूझ और समझ के साथ ही कभी भी बर्ड खरीदें। ये तो अच्छा हुआ दोस्तों मैं आ गया था टाइम पे, वरना मैं भी अभी धोखा खा जाता और फिर बाद में पता लगता कि इतनी बीमारी क्यों है बर्ड में, और बीमारी का पता भी नहीं चल पाता दोस्तों, कारण पता नहीं लगता और मैं परेशान हो जाता कि। तो ऐसे लोगों से आप भी बच के रहें दोस्तों, क्योंकि पोल्ट्री में बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है और जब इस तरह से कोई धोखाधड़ी हो जाती है आपके साथ तो आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है। ये देखिए इस तरह से बर्ड को हिलाना डुलाना और फिर भीगा हुआ, तो इस तरह से धोखाधड़ी हो जाता है दोस्तों। आप देखिए अभी अंदर देख सकते हैं कि पूरे बच्चे एकदम फिट हो गए, उसका कारण यही है दोस्तों कि इन्होंने छटाई कर दी अच्छे से और फिर अच्छे डिब्बे जो बचे थे उसको लगा दिया, बाकी सब नीचे फेंक दिया। तो इस तरह से दोस्तों आप भी बच के रहें पोल्ट्री में, पोल्ट्री के इस नुकसान से बहुत सारे लोग झेल जाते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।